नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी चुनाव को लेकर गुरुवार को पहले चरण के लिए वोट डाले गए। पहले चरण की 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग परसेंटेज करीब 61% रहा, जो पिछली बार के मुकाबले 3% कम रहा। पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 64.56% वोटिंग हुई थी। वोटिंग कम होने के पीछे की क्या वजह रही? ऐसा क्यों हुआ कि इस बार पहले के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बजाय घट गया? आइए जानते हैं। यूपी चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव से 3% वोटिंग कम हुई है। हालांकि 2012 के चुनाव में इन्हीं 58 सीटों पर 61.03% वोटिंग रही थी। 2017 के चुनाव में करीब 3.5% वोटों का इजाफा हुआ तो बीजेपी को जबरदस्त फायदा भी मिला था और सत्ता में 15 साल के बाद वापसी की थी। वहीं सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी को नुकसान उठाना पड़ा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी, जबकि सपा को 2, बसपा को 2 और 1 सीट आरएलडी को मिली थी। पहले चरण की 11 जिलों में से 7 सीटों पर ही पिछले बार के मुकाबले वोटिंग बढ़ी है, जबकि 4 जिलों में कम हुई। बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में वोट परसेंटेज बढ़े हैं, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और अलीगढ़ में पिछली बार से कम वोटिंग हुई। यही वजह है कि वोट का आंकड़ा काफी कम रहा। शामली जिले में पिछली बार की तुलना में करीब 10% ज्यादा वोटिंग हुई तो नोएडा में 10% कम हुई है। यूपी फर्स्ट फेज में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो आगरा में 60.23%, अलीगढ़ में 61.37%, बागपत में 62.46%, बुलंदशहर में 65.35%, गौतम बुद्ध नगर में 57.07%, गाजियाबाद में 52.43%, हापुड़ में 60.53%, मथुरा में 62.92%, वहीं मेरठ में 61.24%, मुजफ्फरनगर में 65.32% और शामली में 69.42% वोट पड़े। कुल करीब 61% वोट पड़े। फर्स्ट फेज के चुनाव में कैराना सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से रहा। कुल 58 सीटों में से सबसे ज्यादा 75.12% वोटिंग यहीं पर हुई और साल 2012 में 66% और 2017 में यहां 69% वोटिंग हुई। चुनाव में वोटिंग फीसदी के घटने बढ़ने का सीधा सीधा असर चुनाव नतीजों पर भी पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।